सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस 12 से अच्छे दोस्त बनकर निकले दीपक ठाकुर और सोमी खान की दोस्ती में दरार की खबरें हैं। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। रियलिटी शो में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। वो साथ में एक म्यूजिक एल्बम में भी नजर आने वाले थे, लेकिन एल्बम रिलीज के पहले ही उनके बीच में हो गई है लड़ाई। दीपक ठाकुर ने सोमी खान और उनके बीच गलतफहमी होने की खबर को कंफर्म भी किया है। एक चैनल से बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सोमी खान को कर दिया है अनफॉलो। हालांकि दीपक ठाकुर ने कंफर्म किया है कि वो सोमी के साथ प्रोफेशनल रहकर म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करेंगे। पोर्टल से बातचीत में दीपक ने कहा, हम दोनों के बीच में इतना बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। बकौल दीपक, कुछ गलत फहमियों की वजह से हमारे बीच छोटी सी लड़ाई हुई है। मैंने पहले सोमी को अनफॉलो कर दिया, मैं प्रोफेशनल रहूंगा। ऐसी लड़ाई नहीं हुई है कि एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे। वहीं सोमी खान ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि दीपक ठाकुर के बारे में वो बात नहीं करना चाहती। बता दें कि सोमी और दीपक ठाकुर ने भजन सम्राट अनूप जालोटा और डॉक्टर रीना मेहता के म्यूजिक एल्बम केसरिया बालम में काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने गाने की गुजरात के भुज में शूटिंग की। अब दोनों की ये लड़ाई पीआर स्टंट है या फिर असलियत में नोकझोंक हुई है, ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।